कक्षा 12 के हमारे सभी बच्चे ध्यान देंगे। 21 फरवरी के दिन आपका पेपर इतिहास का, और एक ही पेपर में आपको बताऊंगा सेट डी, इसी में नंबरों की बौछार हो जाएगी। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। 80 नंबर का पेपर है, लेकिन 50 नंबर का दावा गारंटेड, लिखा पढ़ी कर लो, 50 नंबर एक ही वीडियो से फंसेंगे। चलिए सेट ए बी सी डी कर लो और अच्छे से टॉपर बन जाओगे। चलिए शुरू करते हैं, बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन। पहले आपकी आ जाएगी सेल खड़ी की, क्योंकि हड़प्पाई मोहर है जो थी वो सेल खड़ी वस्तु की बनी हुई थी। महाभारत में 50,000 श्लोक है, जहाँ बुद्ध का निर्वाण हुआ के प्राप्त किया था वो था कुशीनगर। इब्न बतूता को हठीला यात्री कहा गया। राजमहल पहाड़िया के लोगों की आजीविका निर्भर थी, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया फरवरी 1922 में। यहाँ से आप कड़िया से कंप्लीट करोगे, इसके बाद में ये है आपका, यहाँ पर हो गया इतना। फ्रांसवा बर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री था। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि मनुस्मृति ग्रंथ था। जैन धर्म में 24 तीर्थकार हुए। गुजरात में समृद्ध किसान के पास 6 एकड़ भूमि होती थी। यहाँ से कपास जाएगा और भू राजस्व जाएगा। ये इतना हो गया, ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ये हर्षचरित, इसका जाएगा 1932। रेयरवाड़ी विद्रोह का आपको मिलान करना है 1875। शेख निमाजुद्दीन ओलिया का आपका जाएगा तीसरे का, यहाँ से दिल्ली। मुकदम मंडल, इसका आपका पांचवे का मिलान करना है, गांव का मुखिया, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का जाएगा 1942, और पूना समझौता 1932। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब अगला देखते हैं, भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे, ठीक है। तो महाराजा हरि सिंह है नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन महाराजा हरि सिंह। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो ये जीर्णोद्धार करवाया था राजा रुद्रदामन ने। ये आपका दूसरा है, सॉरी यहाँ पर मुझे पहला है। अल बिरूनी किन किन भाषाओं का जानकार था, तो अल बिरूनी जो था फारसो हिब्रो सीरियाई संस्कृत, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं आराम से एक तो फारसी हिब्रू अंतिम मुगल बादशाह का नाम क्या था, अंतिम मुगल बादशाह का जो नाम था वो था बहादुर शाह जफर। भारत में प्रथम जूट मिल कब स्थापित की गई थी, सन 1855 ईस्वी में, सन 1800। हो गया, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है, 12, ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए इसके बाद में यहां से ये हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर सत्य असत्य, हड़प्पा सभ्यता मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समकालीन थी, ये आपका सत्य रहेगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे, असत्य। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रेमाख्यान का नाम है,
पद्मावत है ये आपका असत्य रहेगा। रिहला इब बतूता की रचना है ये जाएगी इसका सत्य। इष्ट मरारी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल में लागू किया गया 1859 ईस्वी में अंग्रेज द्वारा परिसीमन कानून बनाया गया ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। ठीक है, इसके बाद में यहां से आप देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। आपको बढ़िया से कंप्लीट करो, जो चीजें बता रहे हैं ना वही परीक्षा में आने की 100% संभावना रहेगी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इनका सबका सॉल्यूशन मैं बहुत ही जल्दी आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगले वीडियो में, क्योंकि बच्चे लिख रहे हैं कोचिंग में और आप इसी चिंता मत करिए, आप भी इतनी परसेंटेज बना सकते हैं। आप स्वयं को पहचानिए कि हम इस लायक है। ठीक है, यदि आपने सोच लिया कि हम तो भैया यहाँ पर 70 की लिस्ट के लायक है ये, और हम तो भैया यहाँ 80 के लायक है, और यदि आप कर लोगे नहीं हम तो 90 में की लिस्ट में ही रहेंगे, तो आपकी मर्जी है। ठीक है, जिस कोई मर्जी में जो जाना चाहता है। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि यदि आप 4 पेपर करोगे तो 80% पक्की है, और 6 पेपर जो ई और एफ तक करोगे। ठीक है, यहाँ से देखिए मैं एफ तक प्रोवाइड कराने वाला हूँ, एफ तक। ठीक है भैया, तो ये करोगे तो 90% से ऊपर की जवाबदारी हमारी है, 95% 96% आपकी बनेगी। ठीक है, चलिए तो बढ़िया से ये कंप्लीट करिएगा। आपको देसी रियासतों का एकीकरण किसने किया तथा एकीकरण कैसे हुई, ये प्रक्रिया कैसे हुई। महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के विषय में आप क्या जानते हैं। ग्रीड पद्धति क्या थी। इब्न बतूता ने अपने वृतांत में दिल्ली शहर का वर्णन किस प्रकार किया। इब्न बतूता के वृतांत के दो प्रमुख दोष कौन कौन से हैं। सूफी सिलसिले किन दो वर्गों में विभक्त होते। राजा कृष्णदेव राय की उपलब्धियों की विस्तृत विवेचना कीजिए। विरूपाक्ष मंदिर के विषय में आप क्या जानते हैं। मुगल काल में ग्राम पंचायत, मुगल काल में ग्राम पंचायत के मुखिया का चुनाव और उसके कार्यों की विवेचना कीजिएगा। मुगल कालीन ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। इष्ट मरारी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियां क्यों नीलाम कर दी गई। स्थायी बंदोबस्त यानी इष्ट मरारी बंदोबस्त के लाभों की विवेचना कीजिए। अवध का अंतिम नवाब कौन था, उसने उन्हें पद अपने पद से कब हटा दिया गया। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर के साथ अंग्रेजों ने अपमानजनक व्यवहार क्यों किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग आंदोलन का क्या महत्व था। महात्मा गांधी ने चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना। ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 हो गया। अब इसके बाद में यहां से देखिएगा, ये महाभारत एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 18 का थोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सांची स्तूप की खोज और उसके संरक्षण पर प्रकाश डालिए। बौद्ध धर्म के आर्य सत्यों का विवरण। अशोक के अभिलेख के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में समझाइए। अशोक ने बुद्ध धर्म का प्रचार के लिए क्या क्या कार्य किए। तमिलनाडु के अलवार और नायर संतों ने प्रारंभिक व्यक्ति परंपरा के विकास पर किस प्रकार योगदान दिया। गुरु नानक के मुख्य उपदेश का उल्लेख कीजिए। इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ से देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की प्रमुख धाराएं क्या थी। असहयोग आंदोलन